हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, आपके सामने है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आपको पावर में मिले, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे लास्ट में जाके 2 की पावर है क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, दूसरी साइड भी पूरे का पूरा जो बेस है उसका क्वेश्चन मार्क के बेस के बराबर लेके आना होता है। जैसे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बेस क्या 2 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी पूरे का पूरा 2 की पावर, पावर कितनी भी आ जाए लेकिन अंदर में बेस में 2 लेके आना है, तभी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो नीचे बेस है वो 2 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी आ जाए, जो पावर आ जाएगी वही आंसर होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद आप देख सकते हो 0.8 की पावर 2.5 है, फिर मल्टीप्लाई में 0.8 की पावर है, फिर डिवाइड में 0.8 की पावर है। तो मल्टीप्लाई होता है वो हो जाता है प्लस, और जो डिवाइड होता है वो हो जाता है माइनस। अगर बेस सेम है, जैसे 0.8 सेम है तीनों में, लेकिन एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, तो जो मल्टीप्लाई वाला 0.8 की पावर है 1.5, तो वो 2.5 में प्लस हो जाएगी, और जो डिवाइड वाला पावर है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0.8 की पावर कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 1.5 माइनस 0.5, क्योंकि वो डिवाइड में है। बराबर है किसके, 0.2 की पावर 3.5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो पावर है 0.8 की प्लस माइनस करोगे तो जो 3.5 आ जाता है। ठीक है, तो इधर भी 3.5 आ गया, दूसरी साइड भी 0.2 की पावर 3.5 है, तो इसको आप एक में ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 0.8 के नीचे ले आएंगे 0.2 को, और पावर क्या हो जाएगा, दोनों की पावर सेम है तो पावर को एक ही बार में ऊपर लिख लेते हैं 3.5। अभी 0.8 के नीचे 0.2 है, पहले तो 0.8 से 0.8 कट जाएगा। ठीक है, दूसरा 8 है नीचे 2 है, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ओनली 4 रह जाएगा, 4 की पावर कितना 3.5। अभी 4 की पावर हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 ही तो होता है, तो 2 की पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी 3.5 है, तो ये यहाँ पे दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर क्वेश्चन मार्क के बराबर है 2 की पावर 3.5 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ जाता है, तो 7। तो देख सकते हो बेस दोनों का 2-2 आ चुका है, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 7 है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आज से सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसका सलूशन चाहते हो, उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।